राजीव राणा के घर करना नमस्कार नमस्कार विद्यार्थियों, कल मैंने मनोज मित्र में पर राष्ट्र नीति के बारे में बात की थी और कल सिद्धांतिक पहलू में बात की थी। मंडल सिद्धांत, शिरोमणि सिद्धांत, उपाय सिद्धांत की बात की थी। आज हम पर राष्ट्र नीति के व्यवहारिक पद्धति की बात करेंगे। नंबर एक युद्ध व्यवस्था, नंबर दो गुप्तचर व्यवस्था की बात करेंगे। दूत व्यवस्था के अंतर्गत ये माना जाता है, दूत वह व्यक्ति है जो मैत्रीपूर्ण संबंध और अमैत्रीपूर्ण संबंधों का आधार माना जाता है। वह मित्रता भी करा सकता है, संधि भी करा सकता है और विग्रह भी करा सकता है। इस तरह से दूत परस्पर मैत्री का भाव भी रखता है। तो दूध की मनुस्मृति में दूध की जो विशेषताएं बतला गई हैं, दूध में ये विशिष्टता होना चाहिए कि वचन और स्वर का अर्थ समझने वाला होना चाहिए, उसमें विभिन्न लिपियों का ज्ञान होना चाहिए, आकार और चेष्टा जानने की सामर्थ्य होनी चाहिए, उसमें पुलिंग भी होनी चाहिए, वह स्त्री आसक्ति और मतपान से रहित होना चाहिए, संधि विग्रह कराने की प्रवणता भी उसमें होनी चाहिए। जहाँ तक आकार और चेष्टा जानने का सवाल है, वहाँ पर उसका भौं टेढ़ी करना, नेत्र लाल होना, चेहरा लाल होना, इस तरह की जो स्वर हैं या जो चेष्टा हैं उनको समझने की सामर्थ्य भी उसमें होनी चाहिए, इससे कि वह अपने दूध व्यवस्था का काम अच्छी तरह से कर सके। दूसरी जो व्यवस्था आती है गुप्तचर व्यवस्था आती है, और गुप्तचर व्यवस्था में जो गुप्तचर का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ये होता है दूसरे राज्यों की शक्ति, उस राज्यों की शक्ति और दुर्बलताओं की जानकारी अपने राजा तक पहुंचाना है, या अपने राज्य में रह रहे दूसरे गुप्तचरों के बारे में भी सूचना देना और गुप्तचर का कार्य भी होता है। गुप्तचर मनुस्मृति के अंतर्गत पांच प्रकार के माने गए हैं, काप्तिक, उदयस्थित, गृहपति, व्यापारी और तामस। काप्तिक गुप्तचर उस श्रेणी के माने जाते हैं जो कपट व्यवहार करने में प्रवीण होते हैं और उनका जीव का पर भी बल दिया जाता है। उदास्थित भी उसी तरह के होते हैं जो संन्यास धर्म से पतित हो गए हैं और जीव का पर आधारित हैं, उस तरह से ज्ञान बुद्धिमान व्यक्ति उदास्थित माना जाता है। तीसरे जो प्रकार के जो गुप्तचर माने गए हैं वो गृहपति के रूप में माने गए हैं। गृहपति के रूप में गुप्तचर के जो कार्य बताए गए हैं वो कृषक के रूप में, किसान के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन यथार्थ में वो कृषि कार्य न करके वो गुप्तचर्य का कार्य करते हैं। इसी प्रकार व्यापारी पद को माना गया है जो सिद्धांत रूप से ऊपर से वो व्यापारी दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो गुप्तचर का ही कार्य करते हैं। पांचवी और लास्ट जो बात मानी गई है वो है तापस। तपस्वी के भेष में जो गुप्तचर तपस्वी के भेष धारण करके गुप्तचर का कार्य करते हैं उन्हें तापस भी कहा जाता है। इसी तरह युद्ध का औचित्य भी मनुस्मृति के अंतर्गत माना गया है। मनुस्मृति के अंदर ये इसमें लिखा हुआ है युद्ध अनावश्यक रूप से बचना चाहिए, राजा को अनावश्यक युद्ध से बचना चाहिए, क्योंकि युद्ध में जन और धन दोनों की हानि होती है, परंतु आत्मरक्षार्थ परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां, सामरिक परिस्थितियां स्वराज्य के अनुकूल हो जाए तो युद्ध की संभावना बनती है। साथ ही उपाय के साम दाम भेद तीनों उपायों के विफल होने पर आत्मरक्षार्थ युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र के राष्ट्रहित में वृद्धि हो सके। मनुस्मृति के अंतर्गत दो प्रकार के युद्ध माने गए हैं। नंबर एक धर्म युद्ध माना गया है। धर्म युद्ध के अंतर्गत
जो युद्ध के नैतिक नियम हैं उनका पालन होना चाहिए। जैसे सोए हुए व्यक्ति को मारना नहीं है, या असैनिकों से युद्ध नहीं करना है, या शरणागत आए हुए व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना है, उस तरह के नैतिक नियमों का पालन होना चाहिए। दूसरा जो युद्ध माना गया है वो कूट युद्ध माना गया है, जिसमें नैतिक नियमों की अवहेलना की बात की गई है। यहाँ पर जो शत्रु राज्य है उसके शत्रु राज्य को पीड़ित करने के लिए अन्य घास, जल, ईंधन, नहर, कूप आदि सबको नष्ट कर देना भी इसमें शामिल है। और उसमें शत्रु के सेनापति और मंत्रियों को लालच देकर किसी भी प्रकार से उन्हें अपने पक्ष में करने की बात की जाती है। तो इस प्रकार कल भी मैंने आपको मनुस्मृति के परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक पहलुओं की बात की थी, और आज भी हम मनुस्मृति के परराष्ट्र नीति के व्यवहारिक पहलुओं की बात की थी, जिसमें कि दूध व्यवस्था की बात की जाती है। दूध इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें कि उसको स्त्री आसक्ति और मतपान से रहित होना चाहिए। संधि विग्रह कराने की प्रवीणता भी उसमें होनी चाहिए, संधि विग्रह कराने की प्रवीणता भी उसमें होनी चाहिए। क्रोध सूचक उन भाव भंगनाओं को समझने का भी उसमें गुण होना चाहिए। नेत्र लाल होना, भौं लाल होना, भौं टेढ़ी टेढ़ी होना, मुंह लाल हो जाना, इस तरह जानने की सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए। वो चातुर होना चाहिए, शुद्ध हृदय का होना चाहिए, कुलीनता होनी चाहिए, वह मदपान रहित होना चाहिए। इसके अलावा भी उसमें अनेक योग्यता होनी चाहिए। वो विभिन्न लिपियों को जानने वाला भी होना चाहिए, विभिन्न लिपियों को जानने वाला होना चाहिए, गणतज्ञ भी होना चाहिए, संधि विग्रह में प्रवीणता होनी चाहिए, सामर्थ्य धर्म अर्थ काम से शत्रु के पक्ष में ना आ सके, इस तरह का एक दूध व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह से आज हमने आपको दूध व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी आपको बतलाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको मनुस्मृति के अंतर्गत दूध व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था की बात आपको समझ में आई होगी। स्टॉप करना।